डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक पोएम है द सोल्जर, इसके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको द सोल्जर की लाइन बाय लाइन एनालिसिस और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो दे चुका हूं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोईम द सोल्जर इज अप्रोप्रिएट गिव रीजन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जो द सोल्जर टाइटल दिया गया इस पोईम का जो शीर्षक है, क्या ये सार्थक है, कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यस, आई थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल कहने का मतलब जो कि अर्थ देता है, जो कि सार्थक है, सही अर्थ देता है। इसका जो शीर्षक होना चाहिए, टाइटल जो होना चाहिए, द सोल्जर होना चाहिए, वो मीनिंगफुल है एंड अप्रोप्रिएट और पूरी तरह से सुटेबल है, उचित है। द होल पोएम डील्स विथ द व्यू ऑफ अ सोल्जर। कहता है कि पूरी की पूरी जो कविता है वो एक सोल्जर के विचार को, एक सैनिक के भावना को व्यक्त करता है। इन दिस पोएम रूपर्ट ब्रूक शोज द फीलिंग ऑफ डीप लव टूवर्ड्स हीज मदरलैंड। मतलब इस कविता में जो रूपर्ट ब्रूक जो आपका पोएट हैं, वो अपनी एक डीप लव को, एक जो गहरा प्रेम है अपने मातृभूमि के लिए, उसको इस कविता के माध्यम से बताते हैं। तो एक सैनिक का जो भावना होता है, एक विचार होता है अपने मातृभूमि के लिए, जो प्रेम होता है, उसको ये कविता एक बयां करता है, मतलब उसकी एक कहानी कहता है। तो ये आपका टाइटल मीनिंगफुल है, इसका कारण यहाँ पे आपने देख लिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म इज दिस अ पैट्रियोटिक पोएम। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप देशभक्तिवाद से आप क्या समझते हैं, क्या यह जो कविता है देशभक्ति वाली कविता है। तो इसका आंसर देखेंगे। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर मदरलैंड। कहता है कि जो देशभक्तिवाद होता है, इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर देशभक्ति है, तो इसका मतलब अपनी मातृभूमि के लिए प्यार है। यस, इट इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम। मतलब हाँ, यह एक देशभक्ति वाली कविता है। इट इज ऑल बिकॉज इट डील्स विथ द पैट्रियोटिक फीलिंग ऑफ अ सोल्जर टूवर्ड हीज मदरलैंड। कहता है कि इसका ये कारण है कि ये जो कविता है, इसमें एक देशभक्ति वाली फीलिंग दिखाई पड़ती है, एक अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए एक प्रेम दिखाई पड़ता है, जो कि एक सैनिक का होना चाहिए, फीलिंग ऑफ ए सोल्जर। तो ये पैट्रियोटिक पोएम है, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज मीन्ट बाई द फ्रेज एपल्स इन द इटर्नल माइंड अकॉर्डिंग टू द पोएट द सोल्जर। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो फ्रेज है यहाँ पे, एपल्स इन द इटर्नल माइंड, ये आप देखिए, मैंने आपको जब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था। तो एपल्स इन द इटर्नल माइंड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, द सोल्जर कविता के अनुसार बताइए। ठीक है, तो अब आंसर देखेंगे। इन दिस लाइन पल्स स्टैंड्स फॉर सोल। मतलब कहता है कि इस लाइन में जो पल्स है ना, ये आया है एक आत्मा के लिए, सोल के लिए, प्राण, जो कि किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका प्राण निकल जाता है उसके डेड बॉडी से, उसी को रेफर करता है पल्स। एंड इटर्नल माइंड स्टैंड्स फॉर गॉड। और जो इटर्नल माइंड है, जो कि एक ईश्वर के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। द पोएट सीज दैट व्हेन आई विल डाई माई सोल विल बी यूनाइटेड विद गॉड। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं शहीद हो जाऊँगा, तो मेरी आत्मा गॉड में मिल जाएगी, ईश्वर का एक रूप हो जाएगी, या आप यूँ कहें कि मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। ठीक है, माई हर्ट विल गेट प्योरीफाइड। और जो मेरा दिल है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ गॉड। और फिर ये ईश्वर का एक
हिस्सा बन जाएगा, एक अंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है हाउ मेनी टाइम्स द पोइट यूज इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम द सोल्जर व्हाट डज इट शो। कहता है कि कविता द सोल्जर में कभी जो इंग्लैंड या फिर इंग्लिश जो वर्ड का इस्तेमाल करता है ये क्या चीज़ को दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप अपने कंट्री से अपनी मातृभूमि से प्यार करेंगे तो उसका जिक्र आप करेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा है कि इस कविता में जो कवि ने अपना देश का नाम इंग्लैंड या फिर इंग्लिश जो उसके देश को रेफर करता है उसको कितनी बार यूज किया है और वो ये क्या चीज़ को दिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, द पोएट यूजेज द वर्ड इंग्लैंड 4 times एंड द वर्ड इंग्लिश 2 times। मतलब इस कविता में जो इंग्लैंड शब्द है वो पोएट ने 4 बार और जो इंग्लिश शब्द है उसको 2 बार प्रयोग किया है। इससे साफ झलकता है कि वो अपने देश के लिए कितना उसके दिल में प्यार है। ठीक है, आगे लाइन लिखा हुआ है इट शोज हीज लव फीलिंग्स टुवर्ड्स हीज कंट्री। मतलब यहाँ पे कहता है कि ये दिखाता है कि उसकी जो प्यार वाली जो फीलिंग है, जो प्रेम की जो भावना है अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, इस बात को बताता है। और लास्ट लाइन ही लव्स हीज कंट्री इंग्लैंड वेरी मच, और ये भी बताता है कि वो अपनी कंट्री इंग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं या फिर अपने एग्जाम से रिलेटेड ई-बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।